हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट नीरज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो अभी टाइम हो रहा है 9:30, तो आज मैं लॉगिन आया हूं 9:30। तो देखते हैं यार क्या एक्सपीरियंस रहता है आज हमारा। पहले हम कोशिश करेंगे रैपिडो पे करें यार, क्योंकि प्लान लिया है तो यूटिलाइज़ तो करें उसको, कि अदरवाइज़ कुछ नहीं आएगा रैपिडो में तो फिर हम ऊबर पे स्टार्ट करेंगे। चलिए वेट करते हैं अपनी पहली राइड का। तो दोस्तों रैपिडो पे हमें हमारी पहली राइड मिल चुकी है। तो यार लगभग 1.5 किलोमीटर का पिकअप है तो और हमें जाना है दिल्ली कैंट। चलिए बढ़िया, चलते हैं कस्टमर को पिक करते हैं। ठीक है भाई, ठीक है पिकअप यार, थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी मिल रहा है और पिकअप भी ज़्यादा दूर नहीं है, जानता ही हूँ मैं जगह। तो चलिए चलते हैं कस्टमर को पिक करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों कस्टमर ने भाई ये पकड़ा दिया, बस आर्मी सूट्स हैं थोड़े से, तो यही लेके जाने हैं भाई। लगभग 7 किलोमीटर का ड्रॉप है यार, तो दिल्ली कैंट इंडियन आर्मी स्टोर। चलो कोई नहीं भाई, ये इंडियन आर्मी का काम है भाई, करना ज़रूरी है, इसको मना नहीं कर सकते। और क्या फ़र्क पड़ता है, तो सुबह सुबह की पहली राइड थी भाई, इसलिए चाहे वो पार्सल हो चाहे कुछ भी हो लेनी तो पड़ेगी भाई, हमारी भी स्टार्टिंग का टाइम है। चलिए कोई नहीं, चलते हैं ड्रॉप करते हैं इसको दिल्ली कैंट। भाई कुछ भी कहो, खाली जाना ना, फिर मज़ा ही कुछ हो रहा है स्कूटी में। बैटरी वाली स्कूटी पे खाली खाली जाओ तो अलग ही मज़ा है। तो भगाना किस बात का है यार, जल्दी टीवी क्या है, ये देखिए एक TVS iQube। भाई साहब इतने हैवी भाई बैठे हुए हैं, मतलब चल रही है बैटरी वाली भाई, बैटरी वाली ये नहीं कि कोई कमी है। हाँ हैवी बंदे बैठ जाए यार इनमें, ये है iQube हो गई, एथर हो गई, ओला भी है, बट मैं क्या बोल सकता हूँ, लगे उसके जो चिमटे टूट जाते हैं भाई, उसके लिए तो मैं कुछ कह नहीं सकता। अरे तो कहीं किसी किसी में है यार, सब में थोड़ा डिफेक्ट होगा, मतलब तो भाई देखो बैठे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं भाई। TVS भी अच्छी है यार, कोई दिक्कत थोड़ी है इस गाड़ी में। सही भाई, भाई लोग बिना हेलमेट के भी चल रहे हैं यार, यहीं पे चलान कटते हैं यार, तो कटने भी चाहिए भाई, बिना हेलमेट के जो चल रहे हैं ना चलान कटने चाहिए, बिना हेलमेट के नहीं चलना चाहिए ऐसे रूटों पर। क्यों रिस्क लो यार अपने साथ, अपने हिसाब से हेलमेट सिर्फ एक चलान से नहीं बचाता, हेलमेट यार सब कुछ है, सेफ्टी भी तो है यार, कहीं भगवान ना करे वो कभी ऐसा किसी एक्सीडेंट, तो यार हेलमेट बहुत सेफ्टी करता है, हेलमेट बहुत ज़रूरी है भाई, खाली चलान से नहीं, और अच्छा हेलमेट होना चाहिए। जो कोशिश करो भाई लोग ज़्यादा हल्के हेलमेट ना ही लो भाई, वो तो ऐसे टूट जाते हैं एक ही बार में, इससे अच्छा एक थोड़ा सा महंगा लो, बढ़िया हेलमेट लो, सही भी रहेगा वो, चाहे वो हमारे लिए हो चाहे वो कस्टमर के लिए हो यार। कस्टमर को भी अगर हम छोटा हेलमेट देंगे ना यार, कस्टमर कई बार नहीं भी पहनते, उसी चक्कर में हाथ में पकड़े रहते हैं, और फिर चलान कटता है तो यार फिर हमें लगता है ऑब्वियस ही बात है यार, दर्द तो हो गई ना, फिर पुलिस वाला रोकेगा तो कस्टमर के वजह से। तो भाई थोड़ा तो अच्छा हेलमेट रखो कस्टमर के लिए, कि भाई जो छोटा वो होता है ना वो तो टूट जाता है, मेन रीज़न ही है यार कस्टमर हेलमेट इसलिए नहीं पहनते। थोड़ा अच्छा हेलमेट हो, लुक वाइज देखने में भी अच्छा होगा ना, तो कस्टमर पहनेंगे हेलमेट। मैं खुद देखा होगा आपने वीडियोस में, मैं कस्टमर को कह रहा हूँ भाई स्ट्रैप बंद कर लीजिए, क्योंकि मुझे पता भाई स्ट्रैप ओपन होगा फर्स्ट तो चलान का, चलान हो सकता है रिस्क है, उसके बाद भाई अगर झटका लगा हल्का सा बाइक पे हेलमेट तो उड़ जाएगा भाई, नुकसान किसका भाई, मेरा। बाई चांस कस्टमर को भी झटका लगे, तो इसलिए भाई हेलमेट रखो, और हेलमेट गायब तो भाई सेफ्टी भी ख़त्म। ये देखो भाई हेलमेट हाथ पे जाके, भाई ठीक है यार हेलमेट पहनना चाहिए, तो भाई इसलिए प्लीज़ भाई हो हेलमेट रखो यार, बढ़िया चाहे वो अपने लिए हो चाहे कस्टमर के लिए हो, हेलमेट होना चाहिए ठीक ठाक बस। तो दोस्तों नेक्स्ट राइड यार मैंने ऊबर पे ली है, लगभग 500 मीटर का पिकअप है यार, पास का है, और हमें शायद साउथ दिल्ली की साइड जाना है, मैंने ध्यान मैं भूल गया यार, मैं भूल जाता हूँ यार छोटी छोटी चीज़ें। चलिए कोई नहीं, स्क्रीनशॉट तो आप देख ही लेंगे, बाकी चलते हैं कस्टमर को पिक करते हैं यार।
144 पेटीएम। हो गया चलिए थैंक यू भैया। अरे भाई साहब भाई 13 किलोमीटर की राइड थी, लगभग 101 रुपये दिए ऊबर ने, 144 रुपये कस्टमर से लेके। भाई ऊबर तो बहुत ज़्यादा काट रहा है यार। हाँ ठीक है, इनके हिसाब से अगर देखा जा रहा है यार 7.30 रुपये आता है। अभी मैंने कैलकुलेट तो नहीं किया, शायद आ गया वो 13 किलोमीटर का कितने हो गए आपके। हाँ इसी के आसपास हो गए यार, कस्टमर से तो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं भाई। चलिए कोई नहीं, चलते हैं, वेट करते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट राइड का। हम आ गए हैं होटल ललित। भाई ये गाड़ी तो अब सड़कों पर देखने को भी नहीं मिलती, कोई BS4 है भाई ये गाड़ी ना मिलती भाई सड़कों पर देखने को। हाँ हाँ सर बिल्कुल भैया। OTP OTP है 92 76। 9276 हाँ बैठिए भैया। ये धोला कुआ मेट्रो जाना है, यहाँ से बसें मिलती है राजस्थान गवर्नमेंट। अच्छा हाँ ठीक है, हाँ हाँ समझ गया, चलिए बैठिए भैया, चलो भैया। ओके ठीक है, हाँ चलो। एक तो यहाँ पे है, हाँ कर रहा हूँ एक सेकंड रुको। चले कहाँ पे अंकल? हाँ यहीं तो आ रहा आ रहा है। अरे भैया आ जाओ, पेमेंट आपने ऐप पे कर रहे थे क्या? आप ऐप पे कर रहे थे क्या पेमेंट? ऐप तो हो गया मुझसे, पेमेंट हुआ नहीं है, आपने ओपन किया होगा ना, ये पेमेंट पेंडिंग दिखा दिया इसने। कितनी अमाउंट आ रही है आपके पास? 125 आया। तो वही आप मुझे कर दो या तो फोन पे कर दो। हाँ फोन पे कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। चलो 12:40 का टाइम है फिक्स। नहीं नहीं ठीक है, ये गवर्नमेंट वाली जल्दी बताती है, तो जाऊँगा तो मैं। हाँ नहीं प्राइवेट वाले तो अपने हिसाब से जाएंगे, अपने हिसाब से जाते ही, ये रोकते बहुत हैं। अच्छा 125 हाँ जो भी आ रहा है आपके पास। ठीक है भैया थैंक यू। तो दोस्तों रैपिडो पे भी हमने ये राइड कंप्लीट की, अब हम आ चुके हैं धोला कुआं। ये पेमेंट हो तो यार, पेमेंट पेंडिंग आ गया, कस्टमर भी ओपन कर लेते हैं, तो चलिए कोई नहीं।